गाइज, आज मैं यहाँ पे बैठ के खाना बना रही हूँ, रोटियाँ सेक रही हूँ, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हो गई जो मुझे यहाँ पे गैस रखनी पड़ी और यहाँ पे बैठ के मैं आराम से रोटी बना रही हूँ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ, तो नहीं, मैं तैयार होकर नहीं जा रही हूँ। मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और सुबह जब मैं नहाई तो मैंने अपने फेस के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया था। तो बस अभी मैं, शाम का टाइम हो रहे हैं, 5 बज रहे हैं, तो बस मैंने सोचा कि चलो अब मैं सो के उठ गई हूँ। मैं सो गई थी, आराम से सो के उठी हूँ, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा फेस को देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, स्किन लेस ना ऐसे मुड़ जाती है। खैर कोई नहीं, चलो चलते हैं, नीचे चल रहे हैं, है ना। तो आज का जो ब्लॉग है वो हम शाम से शुरू कर रहे हैं, और आज का मेरा जो आउटफिट है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आज का जो मेरा आउटफिट है वो कुछ ऐसा है, लेगिंग डाली हुई है, ये मेरा कॉटन में कुर्ता है, और ये दुपट्टा। तो ये दुपट्टा तो सबके साथ में ही मैच हो जाता है, मेरा एक और वाइट दुपट्टा है, इसलिए मैं ना दुपट्टे वाइट कलर में, और वाइट कलर में जो बॉटम होता है वो मैं ज़्यादा रखती हूँ अपने पास में, क्योंकि वो सारी ही चीज़ों में मैच कर जाते हैं। और मेरे पास इस टाइप में कुर्ते और भी काफ़ी सारे रखे हुए हैं, तो वो उसकी वजह से मैं पहन नहीं पाती हूँ। और इसमें ना सिर्फ वाइट कलर ही अच्छा लगता है, बाकी और कलर मैच करो तो ज़्यादा जमता नहीं है, तो इसीलिए मैं वाइट दुपट्टा और बॉटम ज़रूर रखती हूँ अपने पास एक्स्ट्रा में। चलो मैं नीचे जा रही हूँ, फिर बात करूँगी आप लोगों से। फैन ऑफ कर देते हैं, बाकी हमारे रूम की हालत तो आप देख ही सकते हो कैसी हो रखी है। तो यहाँ पे देख लीजिए भाई, कितनी बड़ी छिपकली है, और मैं इसको भगाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वहाँ से भग नहीं रही है वो बिल्कुल भी, वहीं की वहीं अटकी हुई है, वो चिपकी हुई है वहीं की वहीं, तो बिल्कुल भी हटने का नाम नहीं ले रही है। तो फिर मैं जल्दी से गई हूँ नीचे, मुझे ऐसा लगता है, वैसे डर नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए, तो बस यहाँ से अभी मैं आ गई थी पानी पीने के लिए, लेकिन इसके ऊपर ग्लास रखे हुए थे तो बस मैंने उसको हटा दिया है और इसको धो दूंगी थोड़ा सा। इसके ऊपर क्या है ना, पानी जमा हो जाता है ना थोड़ा सा, तो वो क्या है ना, जमने का डर रहता है, इसी वजह से मैं इसको हटा दी थी। और यहाँ पे अभी मैं पानी पीऊँगी पहले, उसके बाद पापा के लिए बनाऊँगी रोटियाँ, क्योंकि पापा को जाना है कहीं, तो इसी वजह से मुझे फटाफट से पहले रोटियाँ बनानी है। तो यहाँ पे देख लीजिए भाई, यहाँ पे मैंने अपनी जो है गैस रख ली है, और यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियाँ सेक देती हूँ अभी। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे खाना रोटियाँ क्यों सेक रही हूँ, तो वो रीज़न है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि किस रीज़न से मैंने यहाँ पे गैस रखी हुई है और यहाँ पे मुझे रोटियाँ बनानी पड़ रही हैं अलग से। तो वैसे जो है हमारे घर पे 3-4 गैस रखी हुई हैं, मतलब पापा जी ने सब सारी चीज़ें पहले से ही मतलब रख रखी हैं। मम्मी क्या है ना, मतलब मम्मियों की आदत नहीं होती है कि सारी गृहस्थी को इकट्ठा करके फिर रखना है, आगे जो काम आएगा ये सारी चीज़ें रहती हैं, है ना, आगे का सोच के चलते हैं मम्मी लोग। तो बस यहाँ पे गैस काफ़ी सारी रखी हुई है हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे रख ली थी एक गैस। गाइज, आज मैं यहाँ पे बैठ के खाना बना रही हूँ, रोटियाँ सेक रही हूँ, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हो गई जो मुझे यहाँ पे गैस रखनी पड़ी और यहाँ पे बैठ के मैं आराम से रोटी बना रही हूँ। गर्मी कुछ इतनी ज़्यादा है, आज मेरा हो गया है इनसे झगड़ा, वो किस वजह से हुआ है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी, क्यों मैं यहाँ पे गैस रखी हुई हूँ, कहाँ क्यों मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी, ठीक है। तो आज मेरा मूड बहुत ख़राब है, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, क्या करें, सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है जब आप, क्या कहते हैं, शादी हो जाती है जब आपकी। क्या कोई नहीं, चलो ये सारा सामान मैं उठा के रख देती हूँ, पसीना देख ही सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा आ गया है। तो गैस अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या रीज़न था मेरा वहाँ पे मतलब गैस बदलने का, दूसरी गैस रखने का और वहाँ पे खाना बनाने का। तो इनसे आज मेरी बहसबाजी भी हो गई और पापा को हो रही थी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। पापा को टाइम से खाना देना मुझे अच्छा लगता है, तो कहना पापा थोड़ा सा लेट भी हो रहे थे, तो बस इसी वजह से कहना इनके और मेरे बीच में बहसबाजी भी हो गई। ये कहना किचन में जो गैस रखी हुई है ना,
तो उसके जो लेजम है ना वो लीक हो रही थी, तो मैंने इनसे लगवाई उसको और इन्होंने पता है पूरी लेजम को जो है निकल ही नहीं रही थी लेजम, निकाल के फिर दोबारा से अगर लगाते ना तो वो ठीक हो जाता। तो मुझे लेट भी हो रहा था तो इस चक्कर में थोड़ी सी बहसबाजी भी हो गई हम दोनों में। तो फिर इन्होंने कहा कि चलो तुम, मैं दूसरी गैस रख देता हूँ उस पर बना दो खाना पापा के लिए, तब तक मैं इस वाली गैस को ठीक कर रहा हूँ। तो मतलब ऐसा होता है कभी कभी, मतलब कि जल्दबाजी के चक्कर में सारे काम ख़राब हो जाते हैं। मैंने दूसरी वाली गैस पे ही खाना बनाया तो पापा जी को जो है रोटियां सेक के दे दी थी, फटाफट से खाना बना के दे दिया था उनको, तो फिर वो चले गए थे, उनको कुछ काम से जाना था, कहीं बाहर जा रहे थे वो, इसी वजह से वो थोड़ा सा जल्दबाजी भी कर रहे थे। तो इसी वजह से मैं भी सोचती हूँ कि उनका जो भी सारा काम है वो टाइम से हो जाए तो अच्छा लगता है, और फिर उनको कहीं जाना भी था बाहर इसी वजह से, बस और कोई रीज़न नहीं था गैस मतलब दूसरी रखने का, यही रीज़न था। तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। मैं सोच ही रही थी कि मेरा सारा काम नीचे का होता है, उसके बाद मैं ऊपर कमरे में जब जाऊंगी तो आराम से बैठ के फिर बात करूंगी मैं आप लोगों से, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, आप लोगों ने देखा कितना ज़्यादा पसीना आ गया था मुझको, और मेरा दिमाग भी थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैंने कहा थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर मैं आप लोगों से बात करूंगी। और पता है एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं कि किचन में हम लोग जो है ना खड़े होकर खाना बनाते हैं, तो उस चीज़ की अब आदत इतनी ज़्यादा लग चुकी है कि नीचे बैठ के खाना बनता ही नहीं है अब तो हमसे। जैसे हम लोगों ने जो है ना घर पे हम लोग बनाते थे तो जब क्वार्टर में रहते थे तो क्वार्टर में खड़े होकर ऐसा खाना नहीं बनता था, नीचे बैठ के ही खाना बनाते थे। तो लेकिन अभी देखो कितनी जल्दी आदत पड़ गई है 2-3 साल के अंदर कि अब वो बैठ के खाना ही नहीं बनता है, ये हो जाता है। और जैसे तैसे करके बना दिया, लेकिन अभी वाली गैस ठीक हो गई तो उसी पे ही खाना बनेगा। और कुछ लोग सोचेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे पता है ये रीज़न मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी कमेंट आएंगे कि शायद अलग हो गई क्योंकि वो जो है ना स्किप कर करके वीडियो को देखते हैं, फिर कमेंट करते हैं कि अलग हो गई इसलिए अलग से गैस रखी, तो ऐसा नहीं है, गैस वो वाली ख़राब हो गई थी इसी वजह से वहाँ पे हम लोगों को दूसरी गैस रखनी पड़ी थी, बस और कोई रीज़न नहीं है। तो बस मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो अभी मैं ऊपर आ गई थी, अभी मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, इनसे थोड़ी सी बातचीत भी हो गई है, वरना तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो रहा था। तो मैं इसीलिए मैं बोल रही थी कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स करके तब मैं बात करूंगी आप लोगों से, बताऊंगी रीज़न क्या था। तो बस मैंने बता दिया आप लोगों को। और तो देखो आज मैं कहाँ पे बैठ के बात कर रही हूँ आप लोगों से, सोफे के इधर साइड बैठ गई हूँ और ये कांच में दिख रहा है मोबाइल मेरा। तो चलो अभी मैं कुछ और काम देख लेती हूँ, मुझे बाकी सारे और काम भी करने हैं। तो कपड़े फिर से मेरे जो है इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, बारिश कल से ही लगातार हो रही है, हल्की फुल्की बारिश हो जाती है फिर रुक जाती है, फिर हल्की फुहार आ जाती है फिर रुक जाती है, मतलब सूख नहीं रहा है, धूप नहीं निकल रही है, बारिश हो ही रही है, तो कपड़े भी सूख नहीं पाएंगे, और कपड़े नहीं सूखेंगे तो फिर उसमें से स्मेल आने लगती है, तो इसी वजह से मैं सोच रही जब धूप निकलेगी तभी मैं धोऊंगी। तो बेडशीट वगैरह मैंने चेंज करी थी तो इसी वजह से मुझे धोने हैं कपड़े, बाकी और तो खैर एक दो जोड़ी हैं इनके ही हैं, तो बस मैं धो लूँगी जब थोड़ी सी धूप निकल आएगी तब। तो यहाँ पे देख लीजिए भाई, ये है हमारा बकरा जिसके ऊपर मेहंदी लगा दी गई है और नल्हा धुला के एकदम तैयार सा कर दिया है उसको, और पैरों में ये कपड़ा वगैरह बांध दिया है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ से हम लोग जो है ना इसको ख़रीदा है तो वहाँ पे काफ़ी सारे और भी बकरे हैं, तो इसकी पहचान करने के लिए इस टाइप से उसको बनाया गया है। पहले आप लोगों ने देखा था जब मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को, तो उसमें ना मेहंदी वगैरह इसकी कुछ भी नहीं लगी थी, लेकिन अभी क्या है ना यहाँ पर मेहंदी लगा दी गई है इसके माथे पर भी और पैरों में इस टाइप से कपड़ा बांध दिया गया है, तो नल्हा धुला के एकदम ये तैयार है, अभी ये जो ये पत्ते हैं वो खा रहा है। यहाँ पे जो है सानिया के लिए कपड़े लेकर के आए हैं, तो वो डेली के लिए मांग रही थी मॉर्निंग मेरे लिए टॉप लेकर के आना, तो वो लॉन्ग टी शर्ट पहनती है, तो वो लॉन्ग वाली टी शर्ट मैं डेली के लिए ले आई थी और एक लोवर ले आई हूँ, तो लोवर अभी उसको जो है ना टाइट हो रहा है तो फिर से मुझे चेंज करना पड़ेगा, तब मैं मार्केट जाऊँगी तो फिर मैं चेंज करके लाऊँगी, क्योंकि ये भी मुझे बच्चों का ऐसा साइज़ वाइज का पता नहीं रहता है, और टी शर्ट तो खैर मुझे पता है, अपन जब शॉप पर जाते हैं तो उनसे बोलते हैं कि 10 साल की लड़की या 11 साल की लड़की, तो इस हिसाब से वो दे देते हैं, तो समझ में आ जाता है कि हाँ उसको बन जाएगी, और वैसे भी वो लॉन्ग टी शर्ट ही पहनती है, तो उसने सिंपल वाली टी शर्ट ही मंगाई थी, टॉप वगैरह की वो मना कर रही थी कि नहीं टॉप नहीं चाहिए मुझे, टी शर्ट ही चाहिए। तो यहाँ पे बस मैंने अपने लिए चूड़ियाँ ली थी, तो सीमा बाजी के लिए भी मैं कंगन ले आई थी, तो ये छोटी सी ईद की शॉपिंग या कुछ भी समझ सकते हो आप लोग, छोटी सी ही है, तो बस यहाँ पे 2 टी शर्ट और ये लोअर, लोअर मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उसको टाइट बन रहा है वो, तो मैं सानिया को दे रही थी कि सानिया ले जाओ अपने कपड़े।
हाँ मम्मी को दिखा देना, कंगन दे देना मम्मी को, तो फिर वो ले गई थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रात में चीला, बेसन का चीला बना रही हूँ और चटनी बनाऊँगी। और देखो हमारी गैस भी ठीक हो गई है, अब बिल्कुल भी लीक नहीं कर रही है वो लेजम। और अभी फिर से हम लोग जो है अपने किचन में आ गए हैं। यहाँ से कहाँ जाएंगे यार, यही तो हमारा एक ठिकाना है। सुबह जब जब दिन शुरू होता है तो किचन से होता है, जब दिन ख़त्म होता है तो भी किचन से ही होता है। तो किचन को छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते हैं, ये हमारी फेवरेट वाली किचन है, इसको छोड़ के हम नहीं जाएंगे। तो इसी तरह से एक एक करके सारे चीले बना लेंगे हम। इसके अंदर मैंने अजवाइन, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, बेसन, लाल मिर्च और नमक डाला है। इसका इतना पतला सा बैटर बनाना है। इसके बाद हमारे चीले बनते जाएंगे। ये हमारी चटनी हरी मिर्च, टमाटर और धनिया की। तो वह चीले बन चुके थे और अभी बन के रख गए हैं, खाए नहीं हैं। तो पहले मैं बर्तन जमा देती हूँ, ये शाम के बर्तन निकले हैं तो ये धुल के रख गए थे, उसके बाद मैं इनको बर्तनों में सेट कर दूँगी। तो बस हमेशा की तरह लास्ट में जो भी सारे काम निपट जाते हैं तो हम लोग जो है ऐसी इसी तरह से खेलते हैं। सानिया भी है, इनाया भी है, तो ये खेल रहे हैं बच्चे। तो चलिए ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को शेयर ज़रूर करना ताकि मेरा जो लेटेस्ट वीडियो आएगी ना वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। और शेयर ज़रूर करना अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। अल्लाह हाफिज़।